वैक्सीनेशन में गुरुग्राम स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। दरअसल गुरुग्राम के 7 गांव में 100% लोगों को कोरोना की डोज लगा दी गई है। हसनपुर और हमलीपुर में भी 100% लोगों को वैक्सीन लगाई गई। इसी तरह खेटावास और हमीरपुर में गांव में भी 100% वैक्सीन हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग सभी गांव में 100% टीकाकरण मुहिम चला रहा है। जिले में अब तक 16 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। हमारे संवाददाता दीपक शर्मा ने इसका जायजा लिया, देखिए। वैक्सीनेशन के इस दौर में स्वास्थ्य विभाग हरियाणा की एक बड़ी उपलब्धि आपको दिखाना भी चाहेंगे। वैक्सीनेशन का ये दौर जिसमें स्वास्थ्य विभाग की एक मुहिम और लोगों की जागरूकता का असर की बात करें तो गुरुग्राम के अंदर 2 ऐसे गांव जहां 100% वैक्सीनेशन आज होने जा रहा है। ये स्वास्थ्य विभाग द्वारा एक मुहिम चलाएगी ताकि तमाम लोगों को पूरा वैक्सीनेशन मिल सके, गाँव का हर व्यक्ति जो उसको वैक्सीन लग सके। इस प्रयास के तहत ये शुरुआत जो है की जा रही है 100% वैक्सीन के लिए। उसमें लोगों की जागरूकता की भी बात है, उसके साथ साथ स्वास्थ्य विभाग की ये मुहिम भी है। किस तरीके की मुहिम, इस पे बात करेंगे। हमारे साथ में चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर वीरेंद्र यादव जी भी हैं, उनके साथ नोडल ऑफिसर हैं। सबसे पहले तो आपसे चर्चा शुरुआत करेंगे, किस तरीके की ये मुहिम थी सर, 100% वैक्सीनेशन की बात की जा रही है, कितने लोगों को आज वैक्सीनेशन लगाने का यहाँ टारगेट है और अब तक कितने गाँव ऐसे आप अभी तक हम 2 गांव में ये काम पहले हम कर चुके हैं, जो भांगरोला PHC है उसके अंडर जो खेतावास और हमीरपुर गांव में हम फर्स्ट डोज 100% लोगों को दे चुके हैं जो 18 साल से ऊपर हैं। और आज हम अकलिमपुर गांव में हैं जो हमारी PHC पलड़ा में आता है। PHC पलड़ा में अकलिमपुर गांव में आज हमने जो इसकी तकरीबन 1200 कुछ के या 1300 के बीच में लोगों की एक 18 प्लस से ज़्यादा की एलिजिबल पॉपुलेशन है। तकरीबन 600 से 700 के बीच में डोजेज पहले लग चुकी थी और इतनी ही डोजेज आज एक्सपेक्टेड हैं। तो हमने सरपंच साहब से पूरी लिस्ट लेके अकलिमपुर के सरपंच से और हमारे डिप्टी CMO इम्यूनाइजेशन और डॉक्टर नूतन जो हैं, इन्होंने सभी ने एक प्रयास किया है कि आज शाम तक अकलिमपुर और साथ के साथ PHC पलड़ा का एक दूसरा गाँव जो है हसनपुर, इस गांव में हम 100% वैक्सीनेशन 18 से प्लस की ऊपर की कर पाएं। ये 4 गांव तो हुए, 5वां गांव हमने भोरा कला में चुना है और एक 6ठा गांव जो है वो मीका वो भांगरोला में और 7वां गांव जो है गंगोला में खुंटपुरी है। आज कोशिश करेंगे कि हम 7 गांव गुड़गांव में ऐसे हो जाएं जिनकी 18 प्लस की 100% इम्यूनाइजेशन फर्स्ट डोज एटलीस्ट सभी ग्रामवासियों को मिल जाए। गांव से सरपंच भी रहे हैं, आपसे बात करें, गांव में लोगों का कितना सहयोग मिल रहा है, जागरूकता की बात, सरकार तो अपने प्रयास कर रही है, स्वास्थ्य विभाग प्रयास कर रहा है, गांव के लोगों का कितना? हमारे गांव में ज़्यादातर जागरूक लोग हैं, सबसे भी ज़्यादातर सभी लोगों का सपोर्ट मिल रहा है और सभी वैक्सीनेशन के लिए आगे आ रहे हैं। तो तमाम लोग वैक्सीनेशन के लिए आगे आ रहे हैं, इसमें लोगों को जागरूकता है, इसको लेकर कई जगहों पे लोग कहना कि घबराते भी थे। नहीं नहीं, ऐसा कोई ऐसी कोई आज तक हुई नहीं है जैसे, और इसी चीज़ को हम जैसे आज लगे कर रहे, जैसे 700 डोज हमारे पहले हो चुकी हैं और 500 के लगभग आज हो जाएंगी, तो लगभग हमारा गाँव पूरा कम्प्लीट हो जाए। MP सिंह जी नोडल ऑफिसर है, अब तक गुरुग्राम में कितने लोगों को वैक्सीनेशन हो चुका है अब तक अगर बात करें? 16 लाख से ऊपर का टीकाकरण हो चुका है अभी तक। और जैसा कि सिविल सर्जन महोदय ने बताया कि अब जो गांवों को हमने टारगेट बनाया हुआ कि 100% हम उनको वैक्सीनेट करते जाएं, तो उस प्रक्रिया में हमारे आज ये अकलिमपुर और हसनपुर 2 गांव जो है जो आज हमारे 100% पूरे हो जाएंगे और आगे जितने भी गांव हैं अपने जिला गुरुग्राम के अंदर हमने उनको चिन्हित कर लिया है और उम्मीद रखते हैं कि जैसे वैक्सीन आती जाएगी हम हर एक गाँव को बारी बारी से जो है 100% वैक्सीनेट कर देंगे, जिससे कि जो थर्ड वेव की आशंका जताई जा रही है वो एटलीस्ट हमारे इन गाँवों में और जो शहरी इलाके हैं उनमें कहीं भी ना हो, ये प्रयास। तो आप एक भारत का नक्शा भी आप देख रहे हैं, तो एक पूरी अगर बात करें इस मामले में पूरे भारत के अंदर गुरुग्राम जो है काफी अव्वल रहा, चाहे अब तक वैक्सीनेशन की बात की जाए, सबसे ज्यादा की बात की जाए, हालांकि कुछ मामलों में जरूर जयपुर आया, लेकिन अधिकतर मामलों में गुरुग्राम इस वैक्सीनेशन की इस मुहिम में आगे रहा। और इसमें अब गाँवों को 100% करने की जो मुहिम स्वास्थ्य विभाग की है उसमें एक ये कड़ी है जिसमें बड़ी संख्या में आज वैक्सीनेशन किया जा रहा है। और अब तक 4 गाँवों की अगर बात करें, 2 गाँव पहले और 2 गाँव आज हो जाएंगे, 4 गाँव ऐसे हो जाएंगे जहाँ 100% वैक्सीनेशन जो है वो लोगों का आज पूरा होने जा रहा है। तो ऐसे में हम भी और जगहों से भी लोगों से कहेंगे कि जिस तरीके से ग्रामीण अंचल में लोगों में जागरूकता है, स्वास्थ्य विभाग तो हमें तरह से प्रयास कर रहा है, लोगों को भी इसके लिए आगे आना चाहिए, इस मुहिम में साथ जुड़े ताकि पूरी तरीके से सुरक्षित हो सके। गुरुग्राम से कैमरामैन गीतम के साथ दीपक शर्मा, इंडिया न्यूज़।